मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों को छोड़ा गया था और पीएम मोदी ने चीतों की गतिविधियों को कैमरा में कैद करने के लिए उनकी तस्वीरें खींची थी। मीडिया ने चीतों को पार्क में रिलीज करने की घटना को कवर किया और इस बीच सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर काफी शेयर की गई। विपक्ष के नेता ये तस्वीर शेयर करते हुए मोदी का मजाक उड़ा रहे थे और इसकी वजह आप तस्वीर को गौर से देखेंगे तो समझ जाएंगे। दरअसल तस्वीर में पीएम मोदी ने जो कैमरा पकड़ा है उसके लेंस पर कवर लगा हुआ है। कांग्रेस नेता और विधायक वीरेंद्र चौधरी ने यह तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि ऐसे बंद कैमरा से फोटो कौन खींचता है भाई। तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने भी पीएम मोदी की ये तस्वीर ट्वीट की। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सभी आंकड़ों पर ढक्कन रखना एक बात है, लेकिन कैमरा के लेंस पर कवर रखना सरासर दूरदृष्टि है। सीपीआई एमएल के नेता और विधायक संदीप सौरभ ने भी पीएम की ये तस्वीर ट्वीट करते हुए उनका मजाक उड़ाया। देखते ही देखते ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसे शेयर करने वाली लंबी लिस्ट में महाराष्ट्र कांग्रेस सेवा दल, कांग्रेस नेता इशिता सेधा, किसान एकता मोर्चा से जुड़े हिम्मत सिंह गुर्जर शामिल है। तो क्या वाकई में पीएम मोदी ने कैमरा के लेंस पर कवर लगाकर ही तस्वीरें खींची? ऑल्ट न्यूज ने जांच करते हुए इस दावे को गलत पाया। सबसे पहले तो आप वायरल तस्वीर को गौर से देखिए। कैमरा के लेंस और लेंस कवर के एंगल में काफी फर्क दिख रहा है। दूसरी बात ये कि कैमरा का ब्रांड निकॉन है लेकिन लेंस पर कैनन का कवर लगा है। सबसे आखिर में कैमरा का ब्रांड नेम उल्टा है, मानो इस तस्वीर को फ्लिप किया गया हो। यहाँ ऑल्ट न्यूज को शक हुआ कि ये तस्वीर एडिट की गई है। असली तस्वीर की तलाश करने के लिए हमने भारत सरकार की वेबसाइट खंगाली। वहां हमें कुनो नेशनल पार्क में चीतों को लॉन्च करने के मौके की तस्वीरें मिली। इन तस्वीरों में वायरल तस्वीर भी शामिल है, लेकिन वायरल तस्वीर से अलग इस तस्वीर में कोई कवर नहीं लगा है। यानी विपक्ष के नेताओं ने पीएम मोदी की एडिट की हुई तस्वीर शेयर करते हुए उनका मजाक उड़ाया।